नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटी फेयर क्रीम के बारे में। दोस्तों, इस क्रीम के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो ये क्रीम है इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, जो ये ब्यूटी फेयर क्रीम आती है, ये फ्रेंड्स 50 ग्राम की ये पैकिंग में ये है। और इसकी जो प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है 85 रुपीज़ 50 ग्राम की इसकी कॉस्ट रहती है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली बेटामाथासोन, क्लिंडामाइसिन, विटामिन ई एसीटेट और नियासिनामाइड, ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसके अंदर डले हुए हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल के बारे में कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये फेस के लिए ये क्रीम है। अगर आपको चेहरे पर झाइयाँ हों, दाग धब्बे हों, कील मुहासे, आँखों के नीचे कालापन और सांवलापन, या फिर आपके फेस पर कोई अगर निशान हो, गहरे दाग धब्बे हों, उनको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये इसका एक और बेनिफिट है कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। आप मेल्स और फीमेल्स दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप दिन में कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर पैकिंग की देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग कैसी रहती है ब्यूटी फेयर क्रीम की। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ब्यूटी फेयर क्रीम कुछ इस तरह की पैकिंग में ये अवेलेबल रहती है। और इसको फ्रेंड्स, आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, इसके अंदर स्टेरॉइड्स भी हैं जो कि आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए आप इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में अगर आपके स्किन में रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, और इसके साथ साथ आपके इरिटेशन हो सकता है, चकत्ते पड़ सकते हैं, दाने आ सकते हैं, रैसेस हो सकते हैं, जो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इसके यूज़ करने पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ऐसी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देता है तो इस क्रीम का यूज़ करना बंद कर दें और इमिडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये था ब्यूटी फेयर क्रीम का रिव्यू। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।